नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूजीसी क्लासेस बाय एग्जामपुर पर। और आज के सेशन में हमने करना है अपना जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड टाइप ऑफ कंप्यूटर को। जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को मेरा नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। आज के सेशन के लिए सभी तैयार हैं क्या? सभी लोग तैयार हैं आज के सेशन के लिए? बच्चे जितने भी जुड़ चुके हैं इस सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जितने भी ग्रुप्स में आप ऐड हैं वहाँ पर आप हमारी क्लासेस का लिंक जो है वो शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल का लिंक जो है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो जितना हो सके आपका कंट्रीब्यूशन दीजिए हमारी क्लासेस को शेयर करने में और हमारे सब्सक्राइबर को इंक्रीज करने में, ठीक है? तो आज का सेशन शुरू करें। थम्स अप शो होना चाहिए सभी का। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और टाइप ऑफ कंप्यूटर की। अब ये टॉपिक हमने साथ में लिया है, पहले टॉपिक में आप लोग जान चुके हैं, यानी इससे पहले दो क्लासेस हो चुकी हैं। और पहली क्लास में हमने आईसीटी के बारे में जाना था, उसके बाद हम आईसीटी क्योंकि कंप्यूटर से ही जुड़ी हुई है इसलिए हमने कंप्यूटर के बारे में जाना, कंप्यूटर के क्या क्या फंक्शन है, कौन कौन से पार्ट है, आउटपुट इनपुट डिवाइस, हार्डवेयर के बारे में जाना, सॉफ्टवेयर के बारे में जाना, ठीक है? ये सारी चीजों को हमने जाना है। और आज हम जानेंगे, देखिए कंप्यूटर जो आज हमारे सामने है वो एक दिन में विकसित नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ी कंप्यूटर की विकास यात्रा रही है, ठीक है? आपने जैसे कि पहली क्लास में ही पढ़ा था, चार्ल्स बैबेज ने सबसे पहले एनालिटिकल इंजन का जो है वो आविष्कार किया था, जो कि केवल एक गणना करने के काम में आता था। आपने इस चीज को वहां पर सुना और उसी को हम यहाँ पर जानेंगे कि कैसे हमारा, किस तरह से कंप्यूटर का विकास हुआ, प्रारंभिक तौर पर इसका क्या स्वरूप था, धीरे धीरे कैसे इसमें परिवर्तन आता गया, ये सारी चीजों को हम आज की क्लास में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि किस किस प्रकार के कंप्यूटर आपके मौजूद हैं और किन प्रकार के कंप्यूटर का क्या कार्य होता है। अब जब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियां कौन कौन सी हैं, कितनी जनरेशन अभी तक आ चुकी हैं, उनके इरा, उनके युग कौन कौन से रहे थे, ये बात आपने ध्यान में रखना है कि जब हम कंप्यूटर की जनरेशन की बात करेंगे तो कंप्यूटर की जनरेशन में आप पांच पीढ़ियों को पढ़ेंगे। और इन पीढ़ियों का टाइम का, जो समय का काल जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, यानी कि पहली जनरेशन के बाद जो दूसरी जनरेशन आएगी, दूसरे के बाद जो तीसरी आएगी, तीसरी के बाद चौथी आएगी और चौथी के बाद जो पांचवी आएगी, उसमें आपको एक खास विशेषता ये देखने को मिलेगी कि पहले की तुलना में जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा आपके कंप्यूटर जो हैं वो उतने ही हल्के और उतने ही सस्ते और एक बढ़िया टेक्नोलॉजी के धीरे धीरे विकसित होते चले जाएंगे, ठीक है? तो यानी कि हमेशा ये होता है पुरानी टेक्नोलॉजी से जो न्यू टेक्नोलॉजी आती है वो ज्यादा बेहतर आती है। ऐसे ही यहाँ पर आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में देखेंगे किस तरह से प्रारंभिक जनरेशन के, प्रथम पीढ़ी के या फिर प्रारंभिक समय के जो कंप्यूटर थे वो आने वाली जनरेशन से थोड़ा पिछड़े हुए थे, यानी कि जो आने वाली जनरेशन है, यानी कि जो अभी काल हाल ही में जो जनरेशन आ रही है वो ज्यादा विकसित देखने को मिल रही है। अब यहां पर हम ये चीज देख रहे हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तो उनको हमने पांच चरणों में विभाजित कर लिया है, पांच हमने जनरेशन बताई है। कहा है कि फर्स्ट जनरेशन का जो काल है वो, देखिए ये कोई स्थिर काल नहीं है कि सभी लोग इसी बात पर सहमत हैं कि हाँ ये काल की अवधि 1940 से 1956 के बीच में ही होगी, लेकिन अधिकांश जो विद्वान हैं वो इस बात पर सहमत हुए हैं कि आपका पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो 1940 से लेकर 1956 के बीच में आए। ऐसे ही दूसरे जनरेशन का जो काल माना जाता है वो माना जाता है कि ये 1956 से लेकर 1963 तक का था। तीसरी जनरेशन की हम बात करते हैं तो तीसरी जनरेशन को माना जाता है ये 1964 से 1971 तक का काल तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर का था। अब चौथी जनरेशन की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर माना जाता है कि चौथी जनरेशन का काल 1972 से 2010 तक था। और यहां पर 2010 जो लास्ट हमारी फिफ्थ जनरेशन है वो 2010 से लेकर अभी तक जो हमारी चल रही है वो हमारी फिफ्थ जनरेशन चल रही है, ठीक है? ऐसे ही समय समय पर नई टेक्नोलॉजी आती जाएंगी और ये जनरेशन का क्रम जो है, हम ये नहीं कहेंगे कि फिफ्थ जनरेशन पर आकर के हमारी टेक्नोलॉजी का विकास रुक चुका है, ऐसा नहीं है, ये आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन करंट में हम जिस स्टेज पर हैं, जिस अवस्था पर हैं, उसे हम फिफ्थ जनरेशन कहेंगे, ठीक है? ये चीज आपने समझ ली है। अब हम बात करते हैं पहले जनरेशन के कंप्यूटरों की, एक खास विशेषता ये थी कि इनमें जो था वो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था।
ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। जो मेन फीचर ये है आपको हर जनरेशन को कैसे अलग कर रहा है, जैसे आज के समय में आपका सीपीयू है, सीपीयू के अंदर ही आपकी मेमोरी होती है, रैम रोम आपके अंदर होते हैं, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी आपकी होती है। तो उस समय क्या होता था, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब हुआ करती थी। ऐसे ही जब जनरेशन टू आती गई तो वो वैक्यूम ट्यूब जो है, जो कि बहुत भारी बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करती थी, उसकी जगह किसने ले ली, उसकी जगह ले ली ट्रांजिस्टर ने। ठीक है, पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब होती थी, ना हम आके डिटेल में पढ़ेंगे, पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था, ऐसे ही थर्ड जो जनरेशन थी इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाता था। अब फोर्थ जनरेशन में जब हम आ रहे हैं तो फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता था। अब फिफ्थ जनरेशन जो हमारी करंट चल रही है उसमें क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, यह आपने ध्यान रखना है, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर और वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है कंप्यूटर के अंदर। अब जब हम फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं तो फोर्थ जनरेशन एक ऐसा समय है जब आपका पर्सनल कंप्यूटर डेवलप हो गया। ठीक है, इसी चरण में आकर के जो वर्तमान समय का कंप्यूटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे आप डेस्कटॉप कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, तो फोर्थ जनरेशन तक आते आते आपका पर्सनल कंप्यूटर जो है वो डेवलप हो गया और फिफ्थ जनरेशन में उसने स्मार्टफोन का रूप ले लिया, उसने लैपटॉप का रूप ले लिया, उसने टैबलेट का रूप ले लिया, जितनी भी आधुनिक तकनीकें हैं आपके कंप्यूटर की सारी आपकी फिफ्थ जनरेशन में आ जाती हैं। ठीक है, अब यहां तक फर्स्ट सेकंड और थर्ड जनरेशन तक आप जो कंप्यूटर देखते हैं उनमें एक खासियत ये है कि ये बहुत बड़े आकार के होते थे। ठीक है, ये बहुत, जो फर्स्ट जनरेशन का था ये तो पूरे कमरे में आता था, ये जो कंप्यूटर था, ठीक है, पूरे कमरे में होता था और ये इतनी हीट प्रोवाइड करता था, मतलब इससे इतनी गर्मी निकलती थी, इतनी ऊष्मा निकलती थी कि इस तरीके के कंप्यूटर ठीक से वर्क कर सके इसके लिए कमरे में एक अलग से हाई वोल्टेज का एसी भी लगवाना पड़ता था। यानी कि लागत क्या हुई, एक तो पहले इतना महंगा और इतना बड़ा और साथ में इसको ठंडा रखने के लिए, क्योंकि ज्यादा हीट उत्पन्न कर रहा है, ठंडा रखने के लिए अलग से एसी लगवाना पड़ता था, तो उतनी ही लागत भी बढ़ जाएगी क्योंकि एसी की भी लागत इसके साथ जुड़ गई। ठीक है, केवल कैलकुलेशन कर रहे हैं, स्टार्टिंग में केवल कैलकुलेशन गणना करने का काम जो है कंप्यूटर करता था। आपने पढ़ा था कि चार्ल्स बैबेज ने जब अपना एनालिटिकल इंजन जो है वो आविष्कार किया तो उसका काम क्या था, केवल गणना करने का काम था उसका। तो प्रारंभिक चरणों में आप देख रहे हैं कि यहां पर केवल गणना करने का काम जो है वो कंप्यूटर कर रहा है। अब जब फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में आए तो कंप्यूटर का जो आकार था एक कमरे से थोड़ा कम, एक कम पूरे कमरे में नहीं आता था लेकिन फिर भी विशालकाय ही था, उतना स्पेस नहीं घेरता था जितना फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर घेरता था। यहां पर आकार थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा कम ऊष्मा उत्पन्न करने लगा और एसी तो अभी भी चाहिए था इनको ठंडा रखने के लिए लेकिन इतना ज्यादा हीट उत्पन्न नहीं करता था। ऐसे ही हम थर्ड जनरेशन में आए, आकार थोड़ा और छोटा होता चला गया, ऐसे ही इसको ठंडा रखने के लिए इतने ज्यादा उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती थी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए आकार छोटा हुआ, ऊष्मा कम उत्पन्न करने लगा और जैसे पहले पहले बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते थे, अब धीरे धीरे हम जैसे जैसे जनरेशन में आगे बढ़ते जा रहे हैं उतने महंगे नहीं रह गए हैं कंप्यूटर। ठीक है, तो ये जनरेशन ऐसे ही प्रगति कर रही है। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं, फोर्थ जनरेशन में आते आते आपका कंप्यूटर आपके एक डेस्क पर सीमित हो गया है। ठीक है, अब आपका सिस्टम आता है एक डेस्क पे सीमित हो गया है, मॉनिटर रखते हैं, सीपीयू रखते हैं, कीबोर्ड रखते हैं, माउस रखते हैं, तो इस तरह से आपका कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन तक आते आते एक डेस्क तक सीमित हो गया। अब फिफ्थ जनरेशन में तो वो और भी पोर्टेबल हो गया, उठा करके भी इधर से उधर आसानी से ले जा सकते हैं। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको समझाया कि ये जनरेशन क्या है और कैसे ये क्रम में चलती है। हमेशा ध्यान रखना है जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जाएगी टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप होती चली जाएगी, उतनी लागत कम होती चली जाएगी, उतनी ऊष्मा जितनी प्रारंभ में लगती थी उतनी हीट जो है अब नहीं लगती है। ठीक है, यानी कि अब उनको ठंडा करने के लिए भी एसी जो चाहिए थे, अब लैपटॉप को ठंडा करने के लिए इतने
उपकरणों की आवश्यकता नहीं कि हाँ एसी लगा दिया बड़ा सा लैपटॉप को ठंडा रखने के लिए, तो अब उसमें ऊष्मा की जो पहले ताप जो था वो भी अब इतना नहीं छोड़ता है। ठीक है, अब हम एक एक करके बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर हुआ करता था उसकी क्या खासियत थी कि इसमें वैक्यूम ट्यूब होती थी, इनको हम डिटेल में यहाँ पर जानेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, समय बदलता गया और समय के साथ साथ उस कंप्यूटरों ने भी प्रगति करी है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला है कंप्यूटर की एक पीढ़ी समय के साथ कंप्यूटर की प्रौद्योगिकी में विशिष्ट सुधार को संदर्भित करती है। फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन जो है वो ज्यादा प्रोग्रेसिव होगी, ऐसे ही थर्ड सेकंड से फर्स्ट और सेकंड दोनों से प्रोग्रेसिव होगी, ऐसे ही फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों से ही प्रोग्रेसिव होगी, ऐसे ही ये क्रम आगे तक चलता रहेगा। यही चीज यहाँ पे कही है। क्या कहा गया, 1940 के दशक से लेकर आज तक अधिकांश प्रमुख विकासों के परिणाम स्वरूप तेजी से छोटे सस्ते और अधिक शक्तिशाली अधिक कुशल कंप्यूटिंग डिवाइस जो हैं वो दिन प्रतिदिन इजाद होते जा रहे हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं, बच्चे जिन्होंने भी सेशन को लाइक शेयर नहीं किया है, सेशन को जल्दी से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं सेशन को लाइक शेयर जरूर करना है। मुझे आप लोगों के कमेंट्स नहीं शो हो रहे हैं, एक मिनट का मुझे समय दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के कमेंट्स देख सकूं। चलिए, हाँ तो हम यही बात कर रहे हैं। अब हम देखेंगे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की यह आकार देख लीजिए कितने विशाल का यह आकार है। ठीक है, ये आकार देखिए, पूरे एक कमरे में आते थे। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का चित्र है, वैक्यूम ट्यूब कुछ ऐसी होती थी। वैक्यूम ट्यूब का चित्र देख लीजिए, ये ट्यूब्स होती थी वैक्यूम ट्यूब जो कि इन कंप्यूटरों में लगी होती थी। ठीक है, इतने विशालकाय होते थे। क्या फीचर्स हैं उन्हें देख लेते हैं। क्या बताया गया, इन कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग बुनियादी घटकों के रूप में किया जाता था। क्या इस्तेमाल होता था, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। मुख्य मेमोरी जो आज के समय में मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी है, रैम रोम आपने पढ़ी है प्राइमरी मेमोरी के तौर पर, उस समय मुख्य मेमोरी के रूप में क्या होता था, मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप, ये दो मेन मेमोरी हुआ करती थी। ठीक है, आज के समय में जो आपने प्राइमरी मेमोरी पढ़ी है वो प्राइमरी मेमोरी उस समय मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप के रूप में हुआ करती थी। टेप कैसी, जैसे आपको याद होगा कि पहले के समय में आप टेप रिकॉर्डर चलाते थे, उसमें कैसेट जाती थी, कैसेट में एक रील टाइप की होती थी, वो रील निकालते थे आप और कई बार उससे खेलते भी थे ना, उस रील को निकाला फिर से उसको भरा, फिर रील को निकाला फिर से भरा। ठीक है, तो इन रीलों के माध्यम से काम होता था। मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप जो थी वो उस समय की मेन मेमोरी थी। वे आकार में बहुत बड़े थे, जैसा मैंने आपको बताया आकार में बहुत बड़े, एक पूरे कमरा चाहिए होता था उनको रखने के लिए, और उतनी ही अधिक ऊष्मा वो उत्पन्न करते थे, उतनी ही गर्मी वो उत्पन्न करते थे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता था, बहुत ज्यादा बिजली लगती थी, यानी बिजली की खपत उतनी ही होती थी। अब बिजली क्योंकि ऊष्मा ज्यादा निकल रही है तो उनको ठंडा भी रखना है, ठंडा रखने के लिए एसी भी चाहिए, तो लागत और ज्यादा बढ़ गई। उन्हें बड़े वातानुकूलित कमरों में रखने की आवश्यकता होती थी, वातानुकूलित यानी कि एयर कंडीशन रूम में उनको रखने की आवश्यकता होती थी। इस काल के कंप्यूटिंग प्रोग्राम मुख्यतः मशीनी भाषा में किए जाते थे। अब यह आपने ध्यान रखना है, जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है उसको आम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसको आम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो आम लोगों की पहुंच से बहुत बाहर है, क्योंकि वो बहुत महंगा है, बहुत विशालकाय है और उसमें मशीनी लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और मशीनी लैंग्वेज हर किसी को नहीं आती, इसीलिए जितने भी जो उसके उपयोग करता है वो तो या तो कोई इलेक्ट्रॉनिक विशेषज्ञ होते थे या फिर कोई प्रोग्रामर होते थे उसको इस्तेमाल करने वाले, यानी कि वो आम लोगों के इस्तेमाल की चीज नहीं थी, केवल इलेक्ट्रॉनिक विशेषज्ञों और प्रोग्रामों के उपयोग के लिए काम आता था। ठीक है, बड़े पैमाने पर गणना करने के काम आता था। गति बहुत धीमी, आज के कंप्यूटर की तुलना में तो बहुत ज्यादा धीमी काम करता था। आकार बहुत बड़ा, अक्सर पूरा कमरा ले लेता था और महंगा भी होता था। ये इसका फीचर है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का। इनपुट पंच कार्ड, इनपुट डिवाइस जो आज के समय में इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं, उस समय में इनपुट क्या होता था, पंच कार्ड इनपुट डिवाइस होता था, पेपर टेप इनपुट डिवाइस होता था और आउटपुट प्रिंटआउट के रूप में प्रदर्शित होता था, यानी कि आपको एक कागज में प्रिंट मिलेगा। इनपुट डिवाइस क्या है, पंच कार्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है, पेपर टेप जो है वो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट किसमें मिल रहा है,
प्रिंट आउट के रूप में आपको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको लेना है तो। एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के। ठीक है, ये उदाहरण है आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के। क्या है खासियत, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत विशालकाय हैं जिनको सामान्य तौर पर हम इस्तेमाल नहीं लाते हैं, बहुत ज्यादा महंगे हैं, उनको ठंडा रखने के लिए अलग से एक एसी की जरूरत है। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हो रहा है, मशीनी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है जिसे आम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए जो विशेषज्ञ हैं उन्हीं के द्वारा इसको उपयोग में लाया गया था। ठीक है, अब ये तो था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, आकार आपने देख लिया कैसा दिखता है, वैक्यूम ट्यूब कैसी होती है वो भी आपने देख ली। अब आते हैं हम सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के, इनका आकार अब फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा सा घट गया है। सामने स्क्रीन पर आप देख सक रहे हैं कैसा चित्र है, अब जो इतना बड़ा सा हुआ था एक कमरे के अंदर आता है उसका स्पेस लगभग कुछ अलमारियों के जितना सिमट के रह गया है ना, कुछ अलमारियों का आकार आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, तो अब इतने विशालकाय नहीं हुए। फर्स्ट जनरेशन की तुलना में थोड़ा कम हीट की आवश्यकता है, थोड़ा कम स्थान की आवश्यकता है, थोड़ा कम लागत में लग रही है, लेकिन ऊष्मा उनसे कम प्रकट कर रही है, लेकिन फिर भी इनको ठंडा रखने के लिए आपको एसी की जरूरत पड़ती ही है। अब इनमें ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर कैसा दिखता था ये देख लीजिए, ये ट्रांजिस्टर की तस्वीर है। ठीक है, ये सारे के सारे ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर इनका मेन फीचर होता था। जैसे पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब लगे, अब सेकंड जनरेशन में आते वो भारी भरकम वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया और वैक्यूम ट्यूब की जगह किसने ले ली, ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब की जगह ले ली। अब इनके फीचर्स हम पढ़ते हैं, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था, क्या किया जाता था, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था, और वैक्यूम ट्यूब की तुलना में ये ट्रांजिस्टर जो थे वो ज्यादा विश्वसनीय होते थे, अच्छे से संभाल में आ जाते थे और आसानी से बनाए रखने में आसान थे, यानी कि इनका प्रयोग जो है वो ज्यादा इजी था वैक्यूम ट्यूब की तुलना में। इस पीढ़ी में चुंबकीय कोर का उपयोग प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के तौर पर किसका इस्तेमाल किया गया, चुंबकीय कोर का इस्तेमाल किया गया, मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया गया, यह आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आज के समय में जो प्राइमरी मेमोरी रैम रोम आप पढ़ रहे हैं, उस समय में ये सेकंड जनरेशन में क्या थी प्राइमरी मेमोरी, मैग्नेटिक कोर जो है वो प्राइमरी मेमोरी के तौर पे इस्तेमाल में किया जाता था। ठीक है, और चुंबकीय डिस्क और टेप का उपयोग द्वितीय भंडारण यानी सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर चुंबकीय डिस्क और टेप का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, इनका काम क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का डाटा को स्टोर करने का काम है। ठीक है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में इनमें कम बिजली लग रही है, कम बिजली की खपत हो रही है, कम गर्मी का उत्सर्जन कर रहे हैं और आकार भी फर्स्ट जनरेशन की तुलना में छोटा है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा आपको, क्या कहा कि जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जाएगी कंप्यूटर का आकार भी कम होगा, बिजली की खपत भी कम होगी और कंप्यूटर उतने ही सस्ते होते चले जाएंगे। तो यहां पर जनरेशन सेकंड जनरेशन में आपने देखा कि कैसे आकार छोटा हो गया है। अब सेकंड जनरेशन में इनपुट और आउटपुट डिवाइस में क्या होता था, छिद्रित कार्ड या चुंबकीय टेप जो है, छिद्रित कार्ड इनपुट डिवाइस और चुंबकीय टेप आपके आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर फर्स्ट जनरेशन में मैकेनिकल लैंग्वेज यूज हो रही है, लेकिन यहाँ पे उच्च स्तरीय भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, इनके लिए भी विशेषज्ञों की ही आवश्यकता है क्योंकि आम लोग इस उच्च स्तरीय भाषा को नहीं समझ पाएंगे। अब इन भाषाओं का नाम लिखा हुआ है, फोर्ट्रान, कोबोल, एल्गोन और स्नोबॉल, ये सारी की सारी भाषाएं हैं और इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये सारे के सारे आपके सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के उदाहरण हैं। ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाह रहे हैं तो। आगे अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की। अब देखिए, फर्स्ट जनरेशन एक कमरा पूरा बराबर आपका कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन में कुछ अलमारियों के जितना कंप्यूटर आ गया और थर्ड जनरेशन होते होते इस कंप्यूटर का आकार जो है वो लगभग वर्तमान समय के पर्सनल कंप्यूटर के थोड़ा उससे बड़ा है, लेकिन उस रूप में आने लग गया है ना, अब ये उस रूप में आने लग गया जिस जैसा हमारा आज के समय का पर्सनल कंप्यूटर होता है, अब ये उस रूप में आ गया। अब आगे ये तो थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन में तो पर्सनल कंप्यूटर आ ही गए थे, है ना, तो ये उस रूप को अब धारण कर चुका है। इनमें क्या लगे रहते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होता था। ठीक है, जैसे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब लगी होती थी, सेकेंड में ट्रांजिस्टर होते थे और थर्ड जनरेशन तक आते आते उन्होंने
इंटीग्रेटेड सर्किट के तौर पे इनका इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखते हैं। कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का इस्तेमाल किया जाता था, मेमोरी, बड़ा चुंबकीय कोर, लार्ज मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप या डिस्क के तौर पे इनकी मेमोरी हुआ करती थी। अगला जो आईसी है यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का आकार जो है वो आपका वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर की तुलना में छोटा होता था, कम गर्मी देते थे उनकी तुलना में, कम बिजली की खपत होती थी और पिछली स्विचिंग तकनीक की तुलना में ये थोड़ा कम खर्चीला था। यानी पिछली जितनी भी टेक्नोलॉजी आई है उनकी तुलना में ये थोड़ा कम खर्चीला था। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के तौर पे मैग्नेटिक टेप, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, क्योंकि ये आज के स्वरूप को धारण करते हुए चल रहा है, यानी कि फोर्थ जनरेशन में जैसे हमने बात की पर्सनल कंप्यूटर आ गए थे, तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइस में भी आपके कहीं ना कहीं वो देखने को मिल रहा है। मैग्नेटिक टेप आ चुकी, कीबोर्ड आ चुका है, मॉनिटर आ चुका है, प्रिंटर, ये सारे ये तीनों आपके वर्तमान समय में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगली हम बात कर रहे हैं तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर का रखरखाव की लागत भी कम थी फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की तुलना में। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का कंप्यूटर सिस्टम व्यवसायिक उपयोग के लिए आसान था, यानी कि अब इसका कॉमर्शियल यूज जो है वो किया जा सकता था। पहली और सेकंड जनरेशन का इस्तेमाल तो केवल कुछ स्पेशल पर्पज से ही होता था, ठीक है, बड़ी बड़ी गणना करने के लिए काम आता था, लेकिन अब इसका व्यवसायिक इस्तेमाल किया जाने लग गया था। आज के कंप्यूटर की जड़ें जो है वो तीसरी पीढ़ी तक गहरी हैं, यानी कि मैंने आपको जैसे बोला कि फोर्थ जनरेशन तक आते आते पर्सनल कंप्यूटर तो डेवलप हो ही गए थे, तो आज का जो कंप्यूटर है उसकी एक झलक जो है यहां से थर्ड जनरेशन से हमें मिलती है। यहीं से धीरे धीरे हमारे आज के कंप्यूटर की जो यात्रा थी वो प्रारंभ हो गई है। वास्तविक तौर पर कंप्यूटर पहली बार बड़े पैमाने पर दर्शकों के लिए सुलभ हो सका। अभी तक तो आम लोगों की पहुंच से बाहर था कंप्यूटर, है ना, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में आम लोगों की पहुंच से बाहर था, लेकिन यहां थर्ड जनरेशन तक आते आते अब लोगों को भी, आम लोगों को भी अवसर मिला कि उन्हें भी इस कंप्यूटर का लाभ होने लगा। ठीक है, क्योंकि वे अपने पूर्ववर्ती की तुलना में छोटे और सस्ते होने लगे। ठीक है, आगे हम अब चलते हैं फोर्थ जनरेशन पे। फोर्थ जनरेशन पे जैसे मैंने आपको बताया माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है कहाँ पे, सीपीयू में आपके माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। ये पर्सनल कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन आते आते आपका डेवलप हो चुका है। काल देख लीजिए, अगर क्वेश्चन आता है पर्सनल कंप्यूटर का विकास कब हुआ, फोर्थ जनरेशन के टाइम पे आपका पर्सनल कंप्यूटर डेवलप हो चुका, जिसमें ये एक डेस्क पे आपके आने लग गया है आपका पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, तो ये है फोर्थ जनरेशन। सिंपल चीजें जो आज के समय में आपके डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर की विशेषता है वही फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की विशेषता है। क्या उनमें सॉफ्टवेयर होता है, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है, रैम रोम के रूप में होती है, इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं, सीपीयू डाटा को प्रोसेस करने का काम करता है। जो भी कंप्यूटर की आपने विशेषता पढ़ी है वो सारी की सारी आपके फोर्थ जनरेशन की खासियत है। क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट दर्ज होता है और सीपीयू में उसको प्रोसेस किया जाता है। बाद में सीपीयू दिमाग लगाता है कि उस प्रोसेस डाटा को आगे किस आउटपुट डिवाइस की तरफ भेजे। ये सारा का सारा आपका इस जनरेशन की खासियत है जो कि वर्तमान समय में आपको देखने को मिलती है। तो इसीलिए बोला है चौथी पीढ़ी में कंप्यूटरों को माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया था, जिसे सीपीयू के रूप में जाना जाता है। इस माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू के रूप में जाना जाता है। कहां लगा होता है, सीपीयू के अंदर ही होता है। माइक्रो प्रोसेसर ने कंप्यूटर को एक डेस्क पर आसानी से फिट होने और लैपटॉप की शुरुआत के लिए एक संभव बनाने में मदद करी। यानी कि यहां से पर्सनल कंप्यूटर विकसित हुए, एक डेस्क पर आपका सिस्टम आ चुका है, कंप्यूटर आ चुका है, और यहीं से आपके लैपटॉप की शुरुआत का एक इसने यहां पे स्टेप कदम रख दिया है। ठीक है, चौथी पीढ़ी में आने से कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया है पहले की तुलना में। फर्स्ट जनरेशन तो एक पूरे कमरे में आ रहा है ना, सेकेंड जनरेशन आपके कुछ अलमारियों के आकार का दिख रहा है, थर्ड जनरेशन आपका लगभग इस रूप में आने की कगार में है, लेकिन वो भी भारी भरकम है फोर्थ की तुलना में। तो यहाँ पे क्या बोला है, अब यहां तक आते आते कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया है और पोर्टेबल हो गया है। डेस्क पर रख सकते हैं, ऑफिस में रख सकते हैं, घर में रख सकते हैं। चौथी पीढ़ी की मशीन ने बहुत कम मात्रा में गर्मी पैदा करना शुरू कर दिया। जब हम 90s के टाइम पे हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो उस समय हमें याद है कि
हमारा नया नया कंप्यूटर लैब स्कूल में आया था और उस समय हम लोगों को बड़ी इज्जत के साथ कंप्यूटर लैब में भेजा जाता था। जैसे मंदिर में जाते हैं ऐसे ही उस समय हमें कंप्यूटर लैब में भेजा जाता था। जूते बाहर उतारो, पूरे एसी लगे होते थे, एक भी डस्ट पार्टिकल नहीं बैठने दी जाती थी उसमें। थोड़े समय तक ये चला, एक दो महीने तक, छः महीने तक उसका अच्छा रखरखाव बनाया के रखाया गया स्कूल के प्रबंधन समिति ने, लेकिन 6-7 महीने के बाद उनमें धूल बैठी हुई, एसी काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके की व्यवस्था होने लगी। तो पहले पहले जब कंप्यूटर आए थे उनकी बड़ी इज्जत थी, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया तो उनकी इज्जत भी कम होती गई क्योंकि वो उतने ही सस्ते हो गए और सस्ती चीज को कभी भी ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। तो यही चीज यहाँ पर होने लग गई, ठीक है। चौथी पीढ़ी की मशीन बहुत कम मात्रा में गर्मी पैदा करना शुरू कर दिया, यानी कि ये कम ऊष्मा प्रदान कर रही है, बहुत फास्ट है, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, इसलिए ये ज्यादा विश्वसनीय है। पिछली पीढ़ी की तुलना में उत्पादन लागत यानी कि इनकी जो दाम है वो कम है, आम लोगों की पहुंच में आ गए हैं, ठीक है, हर किसी के घर में आज तो आपको देखने को मिलेगा ही। लेकिन जब डेस्कटॉप थे, जिस समय लैपटॉप नहीं हुआ करते थे, केवल डेस्कटॉप थे, उस समय भी एक ऐसा समय था हर किसी के, अगर किसी के घर में बच्चे हैं तो उनके घरों में डेस्कटॉप देखने को मिल ही जाता था, तो इसलिए हर किसी के घर में आपको देखने को मिलता था। मेमोरी कौन सी, रैम, रोम के रूप में, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर आपको मेमोरी भी इनमें देखने को मिलती है। इनपुट आउटपुट डिवाइस भी है इनके अंदर, जैसे कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस है, ऑप्टिकल स्कैनिंग है, मॉनिटर है, ये प्रिंटर है, ये सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस आपको फोर्थ जनरेशन में देखने को मिलते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा, उच्च स्तरीय भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। तीसरी चौथी जो पीढ़ी थी, दोनों भाषाओं का मिश्रण जो है वो आपका फोर्थ जनरेशन में देखने को मिला, ठीक है। अब हम आगे देख रहे हैं एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इस जनरेशन के कंप्यूटर के, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं फिफ्थ जनरेशन, जब आपका जो कंप्यूटर है वो केवल एक लैपटॉप का फॉर्म है वो ले चुका है, टैबलेट भी आ गए हैं, स्मार्टफोन भी आ गए, यहाँ तक कि रोबोटिक्स की शुरुआत हो गई है ना। आज के समय में काफी विकसित कंप्यूटर आ गए हैं, रोबोट भी बनने लग गए हैं, आप उनको इंस्ट्रक्शन दीजिए, उनमें सेट कीजिए, वो अपने आप कुछ कुछ काम करके दे देते हैं, है ना। तो ये आपकी फिफ्थ जनरेशन है जो कि बहुत आधुनिक है पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी जनरेशन की तुलना में, ठीक है, सबसे ज्यादा एडवांस है। मैंने जैसा कि पहले भी कहा, यह क्रम फिफ्थ जनरेशन पर आके रुकने वाला नहीं है। आज तक की फिफ्थ जनरेशन चल रही है, लेकिन आने वाले समय में टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन विकसित होती चली जाएगी, तो ये जनरेशन न जाने कितनी लंबी यात्रा और तय करेगा, ठीक है। तो यही हम फिफ्थ जनरेशन की हम बात कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है। अब इतने स्मार्ट कंप्यूटर हो गए हैं, आपकी मानव की भाषा लेने लग गए हैं, हिंदी भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, हिंदी से भी कुछ टाइप कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपनी वॉइस में भी कुछ बोलेंगे। वो क्या है उसका नाम जो याद नहीं आ रहा है, एक डिवाइस होता है जो गाने सुनाता है, मेरे फोन में भी वो है, जिसमें लड़की बोलती है, एलेक्सा, एलेक्सा से आप बातचीत कर पा रहे हैं, है ना, एलेक्सा से आप बातचीत कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये फिफ्थ जनरेशन की खासियत है। तो ये सारी प्राकृतिक भाषा मानव भाषा को समझने लगा है, आप बोलते हैं और सामने से एलेक्सा रिएक्ट करती है ना, सब चीज बात बात करती है, वो कम बिजली की खपत होती है, कम गर्मी पैदा करती है, ठीक है, कम बिजली लग रही है, कम बिजली की खपत हो रही है, गर्मी भी कम मिल रही है। लैपटॉप को तो आप गोद में रख के भी इस्तेमाल कर लेते हैं कई बार, तो है ना। गति, सटीकता और विश्वसनीयता का उल्लेखनीय सुधार हो चुका है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में, यानी कि ये जो न्यू जनरेशन है हाई स्पीड जनरेशन है, एक्यूरेट डाटा मिलता है और पूरी तरह से विश्वसनीय डेटा आपको उपलब्ध होता है। अब हम बात कर रहे हैं पोर्टेबल और आकार में छोटे और एक विशाल भंडारण इसके अंदर आपको उपलब्ध होता है। छोटे, देखने में छोटे होते हैं, आसानी से इधर से उधर ले जा सकते हैं, आकार में छोटे होते हैं, लेकिन वहीं डेटा की जब बात आए तो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में आपका डेटा उपलब्ध हो जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों के साथ काम करना तेज था, ठीक है, और एक साथ कई काम किए जा सकते थे, यानी कि एक बारी में ही बहुत सारे टास्क आप इससे पूरा कर सकते थे। इनपुट आउटपुट डिवाइस भी इसमें है, ठीक है, कीबोर्ड इनमें देखने को मिलेगा, मॉनिटर मिलेगा, माउस मिलेगा, टच स्क्रीन, पेन, स्पीच इनपुट, बात मुंह से आवाज डालो तो वो रिएक्ट करते हैं, ये सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। उदाहरण देख लीजिए, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इसके उदाहरण है, ठीक है। ये हो गया आपका फिफ्थ जनरेशन का। अब हम बात करेंगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
मैं जरा डोरबेल किसी ने बजाई है डोर को ओपन करके आती हूँ। ये स्क्रीनशॉट लीजिए, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर। हाँ जी, माफ़ी चाहूँगी, बीच में जाना पड़ा, एक्चुअली घर में कोई नहीं है तो ऐसे में दरवाज़ा खोलना पड़ता है ना। चलिए अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर की, क्लासिफिकेशन। और कंप्यूटर हम देख रहे हैं यहाँ पे, हमने तीन भागों में कंप्यूटर को बांट लिया है। इसमें ये सारे ही कंप्यूटर आ रहे हैं जो कि प्रारंभिक तौर पर जनरेशन में आपने पढ़ा कि किस तरह से प्रथम जनरेशन आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, है ना। इन सभी जनरेशन्स के कंप्यूटर को और आज के समय में जितने भी कंप्यूटर है उन सभी को हमने इन श्रेणियों में बांट लिया है। सबसे पहली श्रेणी हमने बनाई है टाइप, टेक्नोलॉजी और लॉजिक के आधार पर। यदि आपसे बोला जाए टाइप या टाइप के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार कितने हैं तो आप कहेंगे तीन हैं, कौन से, डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। अगर बोले टेक्नोलॉजी, एक ही बात है, टेक्नोलॉजी के आधार पर, तब भी आप तीन ही कहेंगे, यही कंप्यूटर है। लॉजिक के आधार पर भी तीन ही है, यही कंप्यूटर है। तीनों अलग अलग नाम दे दिए हैं लेकिन टाइप क्या है, डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड, इनको आपने समझ लिया। दूसरा है साइज और कैपेबिलिटी। साइज यानी आकार, कैपेबिलिटी यानी क्षमता के आधार पर हमने इनको बांट दिया है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर में। अगला पर्पस यानी कि उद्देश्य के आधार पर हमने दो भागों में बांट दिया, एक जनरल यानी सामान्य पर्पस यानी सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर और एक स्पेशल पर्पस के कंप्यूटर यानी विशिष्ट उद्देश्य के कंप्यूटर। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं, एक एक करके हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप के आधार पर, जिन्हें हम तीन भागों में बांट रहे हैं। इसको हम यहां पर इस चार्ट के माध्यम से देखेंगे तो ज्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। टाइप के आधार पर हमने बांटा एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर, ये तीन श्रेणियां आपने देख ली, ठीक है। अब जब हम सबसे पहले बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर की, तो एनालॉग कंप्यूटर के अंदर आप ये देखते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर जो है वो एनालॉग सिग्नल से चलते हैं। एनालॉग सिग्नल से चलते हैं इस कारण से ये डायरेक्ट आंकड़ों के रूप में, कुछ नंबर के रूप में आपके सामने परिणाम लाके रख देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपकी इलेक्ट्रॉनिक वॉच जो होती है वो भी एक कंप्यूटर ही है। ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक वॉच डायरेक्ट आपको समय दिखा देती है, यहां तक कि वो डे भी दिखा देती है, कौन सा डे चल रहा है। आजकल इतनी एडवांस आ गए हैं कि वो आपको वेदर भी बता देते हैं, कैसा मौसम है ये भी बता देते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉच है ये क्या है, ये भी आपके एनालॉग कंप्यूटर का ही एक उदाहरण है जो डायरेक्ट आंकड़ों के तौर पे आपको परिणाम जो है वो दे देता है, आपको आउटपुट जो है वो दे देता है, ठीक है। तो आपने समझा एनालॉग कंप्यूटर क्या है, एनालॉग सिग्नल से चलते हैं और डायरेक्ट आंकड़ों के तौर पे आपको परिणाम दे देते हैं। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर क्या है, गाड़ी में, कार में लगता है आपके, वो स्पीड दिखाता है आपको, है ना, स्पीड दिखाता है कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चली है, कितनी रफ्तार से चला रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको स्पीडोमीटर देता है, ये भी एक कंप्यूटर ही है, ठीक है। तो ये भी आपका एनालॉग कंप्यूटर का ही एक उदाहरण है। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर में भी आपके डायरेक्ट आपका टेम्परेचर कितना है वो उसमें शो कर देगा, ये भी आपका एक एनालॉग कंप्यूटर का ही उदाहरण है, जो डायरेक्ट, जो भी चीजें डायरेक्ट आंकड़ों के रूप में आपके सामने परिणाम रख रही हैं, आउटपुट रख रही हैं, वो सारी जो चीजें हैं वो आपके एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। अगला हम बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर की। सामान्य शब्दों में कहें आज के समय में जो भी कंप्यूटर हैं ये सारे इस श्रेणी में आते हैं, सभी को आप डिजिटल कंप्यूटर कहेंगे, ठीक है। आज के समय में जो कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं ये सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। आपका फोन, ये सारी चीजें, लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप, ये सारे डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अब ये है अगला हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में आपका क्या होगा, एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर, ये मिलकर के क्या बनते हैं, ये हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण करते हैं, ठीक है। कैसे,
एनालॉग सिग्नल के जैसे जो एनालॉग के जो डाटा होता है वो तेजी से प्रेजेंट होता है, जैसे घड़ी की सुई, घड़ी में, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में तुरंत आपका समय आ जाता है ना, तो ये क्या है, ये फास्ट डाटा आपको देते हैं। तो ये एनालॉग की तरह ही, एनालॉग कंप्यूटर की तरह ही तेज होते हैं, और डिजिटल कंप्यूटर जिस तरह से आउटपुट देता है, जितने अच्छे तरीके से आउटपुट देता है, चाहे उसे आप प्रिंट में निकाल लो, चाहे आप कैसे भी निकाल लो, है ना, तो आपके डिजिटल कंप्यूटर की तरह ही आउटपुट प्रेजेंट करते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से हाइब्रिड कंप्यूटर बने हैं, ठीक है, ये आपने समझना है। इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे आपकी डॉक्टर स्पेशल पर्पज से ये यूज होते हैं, आपके अस्पताल में ईसीजी की मशीन लगी होती है, ईसीजी की मशीन आपके पल्स को नापती है, स्क्रीन पर दिखाती है और प्रिंट के फॉर्म में आपको आउटपुट दे देती है, ठीक है, ये क्या है, ये हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है, ये आपने समझना है, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर कौन से हैं, जो आंकड़ों के रूप में डायरेक्ट आपको आउटपुट दे देते हैं। डिजिटल कंप्यूटर आज के समय में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर हैं, जिन्हें आप आज के समय में लैपटॉप, डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, ये सारे डिजिटल के अंतर्गत आ गए। हाइब्रिड एनालॉग और एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर इक्वल टू हाइब्रिड कंप्यूटर, इससे आप समझ लीजिए, ठीक है, यानी एनालॉग कंप्यूटर के कुछ फीचर्स, कुछ डिजिटल कंप्यूटर के फीचर्स मिलते हैं, तो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। मैंने उदाहरण दिया आपको ईसीजी की मशीन और साथ ही जो पेट्रोल पंप में लगा होता है, पेट्रोल पंप में जो मशीन लगी होती है जिसमें पेट्रोल कितना निकल रहा है कितना नहीं निकल रहा है उसको कॉस्ट में बदल देती है, ये भी आपका एक तरह से हाइब्रिड कंप्यूटर का ही उदाहरण है, ठीक है। अब हम एक एक करके बात करते हैं, ये है एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण, चित्र के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ। ये क्या है, गाड़ी के अंदर लगा हुआ आपका जीपीएस सिस्टम, यह जीपीएस सिस्टम भी आपका एनालॉग कंप्यूटर का ही उदाहरण है। ये क्या है, ये स्पीडोमीटर है, ये क्या है, ये थर्मोमीटर है, ये क्या है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक वॉच, ठीक है, ये क्या है, जो डायरेक्ट आंकड़ों के तौर पे आपको परिणाम दे रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं, ये सारे कंप्यूटर्स आपके एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं, ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर को हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं, क्या है, ये निरंतर परिवर्तन के वे भौतिक मात्रा को मापते हैं, यानी कि कंटिन्यू बदलने वाली जो चीजें होती हैं, ठीक है, स्पीड भी लगातार बदलती रहती है गाड़ी की, तो लेकिन बदलने के बावजूद भी वो दिखाती तो है एकदम आपको कि कितनी स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हैं। थर्मोमीटर भी आपका बुखार ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन लास्ट में देता है कि वो आपको कितना फीवर है ना। तो ये सारी चीजें निरंतर परिवर्तित होते हुए आंकड़ों को आपके सामने प्रेजेंट करता है आउटपुट के रूप में, ठीक है। अगली चीज, ऐसे कंप्यूटर का उपयोग ज्यादातर वैज्ञानिक या औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए किया जाता है, ठीक है। अब वैज्ञानिक या औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए कैसे, ज्यादातर थर्मोमीटर कहाँ इस्तेमाल करेंगे आप वैज्ञानिक तौर पर, यानी मेडिकल के क्षेत्र में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी स्पीडोमीटर ये भी औद्योगिक से जुड़ा हुआ है, व्यवसायिक ही चीज़ है, कॉमर्शियल चीज़ है ना, और आपका जीपीएस सिस्टम ये भी एक तरह से कॉमर्शियल ही चीज़ है, तो इसलिए यहाँ पर यही चीज़ उदाहरण दिए गए हैं, स्पीडोमीटर और मर्करी वाला थर्मोमीटर जो है ये इसके उदाहरण है, पीछे भी आपने कुछ उदाहरण जो है वो देख लिए हैं। अब हम दूसरे की बात कर रहे हैं जिसे हम डिजिटल कंप्यूटर कह रहे हैं। डिजिटल कंप्यूटर देख लीजिए, या तो कोई पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। अब इनके वही फीचर हैं डिजिटल कंप्यूटर में जो कि आज के समय में नॉर्मल कंप्यूटर का फीचर है। इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट लेना, सीपीयू में प्रोसेस करना, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देना, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन, इनपुट और आउटपुट डिवाइस जब अपने अपने फंक्शंस को अच्छे से करेंगे तो आपका अच्छे से डेस्कटॉप वर्क करेगा, यही फीचर है डिजिटल कंप्यूटर का, ठीक है। इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। उच्च गति पर गणना करना, तार्किक संचालन करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। रॉ डाटा को, कच्चे डाटा को अंकों या बाइनरी नंबर के रूप में वो परिवर्तित कर देता है और आउटपुट आपको प्रदान करता है, ठीक है। पहले प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट मिल जाता है। सभी आधुनिक कंप्यूटर जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है। अब आगे हम बात करेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर की। मैंने जैसे आपको बताया ईसीजी की मशीन, ये आपका क्या है, ये हाइब्रिड कंप्यूटर है। कौन से कंप्यूटर, जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का मिश्रण है, वो कौन से हैं, वो हाइब्रिड कंप्यूटर हैं। आंकड़ों में प्रदर्शित कर रहे हैं लेकिन
पेपर के तौर पर आपको आउटपुट भी मिल रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया पेट्रोल पंप में एक ऐसी मशीन जो कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल डालती है, इस पाइप के माध्यम से जितना लीटर गया है उतना दिखाती है, उसको पैसों में बदल के दिखाती है कि हाँ आपने इतना लीटर डलवाया, इतने रुपए आपके हो गए, है ना। ये भी आपका एक हाइब्रिड कंप्यूटर का ही उदाहरण है, ठीक। हाइब्रिड कौन से, जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिश्रण है। इसे हम एक बार देख लेते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की विशेषताएं होती हैं। इसमें एनालॉग कंप्यूटर की तरह तेजी, तुरंत आंकड़े प्रेजेंट करना, और डिजिटल कंप्यूटर की तरह मेमोरी और सटीकता होती है। यह एनालॉग संकेतों को स्वीकार करता है और इन्हें डिजिटल रूप में परिवर्तित कर देता है। इंपॉर्टेंट चीज है, एनालॉग संकेतों को स्वीकार करता है जो बदलते रहते हैं निरंतर, और उसको कैसे डिजिटल रूप में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। यह है हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला, यह विशिष्ट एप्लीकेशन के का उपयोग किया जाता है। यहाँ एनालॉग और डिजिटल डेटा दोनों से संबंधित है। विशिष्ट एप्लीकेशन किसके लिए, ECG में आपको रीडिंग दिखाने के लिए कितनी पल्सेस हैं, इसके लिए एक स्पेशल एप्लीकेशन यूज करेंगे। कितना तेल गया है, कितने तेल को कितने रुपए हुए, इसके लिए एक स्पेशल एप्लीकेशन को यूज किया जाएगा। उदाहरण के लिए पेट्रोल पंप में एक प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है, पेट्रोल पंप में एक प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है जो कि ईंधन प्रवाह माप को मात्रा और कीमत में परिवर्तित कर देता है। यह प्रोसेसर क्या करता है, जितना तेल डाला उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, कीमत में, प्राइस में। इसी तरह उनका उपयोग हवाई जहाज में भी होता है, अस्पतालों में भी होता है, और वैज्ञानिक प्रयोग के लिए भी इन हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे साइज के आकार पर कंप्यूटर के प्रकारों की, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इनको देख लीजिएगा। एक वाटर ब्रेक दे दीजिए। हाँ जी, आकार के आधार पर हम यहां पर देखते हैं, इस चित्र को देखिए ध्यान से, ठीक है। यहां क्या लिखा हुआ है, फास्ट, एक्सपेंसिव, कॉम्प्लेक्स और लार्ज। यहां क्या लिखा हुआ है, स्लो, चीप, सिंपल और स्मॉल। कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे कंप्यूटर की तकनीक उतनी ही फास्ट होती रहेगी, उतनी ही एक्सपेंसिव महंगी होती रहेगी, तेज होती रहेगी, महंगी होती रहेगी, जटिल होती रहेगी और उतनी ही विशाल होती रहेगी। लेकिन जैसे जैसे नीचे आते जाओगे कंप्यूटर की जो स्लो होते जाएंगे उतने ही स्लो होते जाएंगे, उतने ही सस्ते होते चले जाएंगे, उतने सिंपल साधारण होते चले जाएंगे और उतने ही स्मॉल होते चले जाएंगे, ठीक है। ये है आपके साइज के आधार पर, जिन्हें हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अब इसमें से आपका आज के समय वाला कंप्यूटर कौन सा है, इनमें हमारा जो वर्तमान समय में जो डेस्कटॉप है वो भी आता है, ठीक है, वो कौन सा कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। इसको समझना ज्यादा सिंपल रहेगा क्योंकि जो आज के समय के कंप्यूटर के जो भी फीचर्स हैं वो आपके माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आ गए, यानी कि जो हमारा लैपटॉप, डेस्कटॉप और फोन वगैरह जो भी हम इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आ गए, ठीक है। हमारा आज के समय का कंप्यूटर कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर। तो हमें क्या समझना है, बेसिकली हमें ये तीन चीजें समझनी है, ठीक है, ये तीन चीजें समझनी है कि क्या होते हैं। अब चित्र देख लीजिए, सुपर कंप्यूटर आकार में कितने खतरनाक है, विशाल है, है ना, जैसे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हुआ करते थे। उसके बाद हम बात करेंगे, नीचे आ जाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर आपके सेकंड, ये जो सुपर कंप्यूटर है इससे थोड़ा सा छोटे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मिनी कंप्यूटर पर। मिनी कंप्यूटर, इसमें तो बहुत छोटा सा उदाहरण दिया हुआ है, लेकिन मिनी कंप्यूटर इतना छोटा नहीं होता है। मिनी कंप्यूटर भी आपके किसके बीच का होता है, आपके माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच का कंप्यूटर होता है। इस चित्र में ठीक से नहीं दिया हुआ है तो इसको हम नई उदाहरण देख के चलेंगे। आपका जो मिनी कंप्यूटर है वो माइक्रो और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच का कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर, यानी कि आकार की तुलना में जो वर्तमान डेस्कटॉप है उससे थोड़ा बड़ा, और आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर जो कि इतना बड़ा है उससे थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। ये है आपके साइज के आधार पर कंप्यूटर। अब इसमें हम सबसे पहले यहां पर देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर की बात करते हैं, जिसे मैंने बताया आपका आज के समय का जो डेस्कटॉप है ये क्या है, ये आपका माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में ही आता है।
देखिए बच्चे, जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं, समझना बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट को। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट पे इतना मेहनत किया हुआ है, तो अगर आप नहीं समझेंगे तो ये सारी चीजें बेकार हो जाएंगी, सारी मेहनत बेकार। रेगुलर जुड़े रहना है क्लास में, 5 बजे क्लास होती है। दोबारा से मैं बता दूं, एक दिन आज हमारा आईसीटी चल रहा है तो कल हमारा लाइव टेस्ट होगा। 2 दिन थ्योरी क्लास रहती है, 1 दिन कम्युनिकेशन की थ्योरी क्लास रहती है, 2रे दिन आईसीटी की थ्योरी क्लास रहती है, और 3रे दिन हम अपना टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने हर क्लास में जुड़े रहना है। तो हम माइक्रो कंप्यूटर की बात कर रहे थे, ये आपका माइक्रो कंप्यूटर है जो कि आज के समय का डेस्कटॉप है, जिसे आप पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, चाहे इसमें लैपटॉप ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आज के समय में आप इस्तेमाल करते हो, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। जो आज के समय के कंप्यूटर के फीचर हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट देना, सीपीयू प्रोसेस करेगा डाटा को, और प्रोसेस करके वो दिमाग लगाएगा कि वो आउटपुट कहाँ पर शो करे, मॉनिटर पर शो करे, या फिर प्रिंट के फॉर्म में आपको प्रिंटर के थ्रू दे दे। यही है आपका आज के समय का माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है। यह सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर होते हैं जिसे व्यक्तिगत उपयोग, पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल आप करते हैं, ठीक है? इसमें सीपीयू होता है जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, मेमोरी होती है सेकेंडरी और प्राइमरी मेमोरी, स्टोरेज एरिया रहता है, इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है? और एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। ये आपके आज के समय के कंप्यूटर हैं। ये व्यक्तिगत काम के लिए उपयुक्त हैं, यानी पर्सनल यूज के लिए आप इनको इस्तेमाल करते हो, और असाइनमेंट तैयार कर सकते हो, वर्ड फाइल ओपन कर सकते हो, पावर पॉइंट चला सकते हो, कुछ भी आपको तैयार करना है आप कर सकते हो। लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर का ही एक उदाहरण है। माइक्रो कंप्यूटर बहुत सिंपल है, आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरे पे चलते हैं, मिनी कंप्यूटर। मैंने आपको क्या कहा था, मिनी कंप्यूटर जो है वो माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा और मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़ा छोटा होता है, ठीक है? तो आपको क्या दिख रहा है, एक बक्से के आकार का ये मिनी कंप्यूटर दिख रहा है, ठीक है? एक बक्से के आकार का है, हालांकि इसका कोई व्यक्तिगत यूज नहीं है, ठीक है? इसका कोई व्यक्तिगत यूज नहीं है, इसमें आप कहां काम करोगे, ठीक है? तो यही है, 1960 के दशक में ये विकसित हुआ था। इसे मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर के बीच का होता है, ठीक है? इन दोनों के बीच का होता है, क्योंकि यह मेन फ्रेम से छोटा होता है लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, ठीक है? मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर के तुलनात्मक रूप से छोटे होते हैं। ये हैं आपके मिनी कंप्यूटर। ज्यादा इसका कोई इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है। अब हम बात करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर की। मेन फ्रेम कंप्यूटर देख लीजिए, आकार में काफी बड़े हैं। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इसका फीचर आप समझ लीजिए। उदाहरण देती हूं, इस पर थोड़ा दिमाग लगाइएगा। इसमें क्या होता है, एक कंप्यूटर जो होता है वो मेन कंप्यूटर होता है, और इस कंप्यूटर से बहुत सारे सिस्टम जो हैं वो कनेक्टेड रहते हैं, यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत सारे जो सिस्टम हैं वो चल रहे होते हैं। अब यदि एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम का भार आएगा तो क्या होगा, वो हैंग होने लगेगा। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इतनी बेहतर तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से जोड़ा गया होता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम से ही विभिन्न सिस्टम जो है वो काम कर रहे होते हैं। यानी कि इसके क्या किए जाते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे इंस्टांस डेवलप कर लिए जाते हैं, यानी बहुत सारे अवतार तैयार कर लिए जाते हैं, जिससे कि एक पर भार भी ना आए और एक ही कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर जो है वो एक साथ फंक्शन कर सके। इसकी आवश्यकता क्यों हुई, कारण यह है इसकी आवश्यकता का कि बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े बड़े संस्थानों में, जहां पर एक साथ बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे होंगे, जैसे बैंकों में, शेयर मार्केट में, है ना, वहां पे क्या है, कर्मचारियों की भीड़ है लेकिन डाटा भी चाहिए उनको, और एक ही डाटा, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा होगा तो सभी लोग एक्सेस कर पाएंगे, है ना? तो इसीलिए ये कंप्यूटर बड़े बड़े जो संस्थाएं हैं उनमें काम करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। एक कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से विभिन्न सिस्टम जो है वो जुड़े रहते हैं। यह है आपका क्या, मेन फ्रेम कंप्यूटर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक? इसको हम एक बार और देख लेते हैं। वे एक ही समय पर कई कार्यक्रमों का समर्थन करते हैं, यानी कि एक टाइम पर ही बहुत सारे एक्शन जो है वो काम कर रहे होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर की यह विशेषता उन्हें बैंकिंग, दूर संचार क्षेत्रों जैसे बड़े संगठनों आदि के लिए आदर्श बनाती है, जिन्हें उच्च मात्रा में डेटा का प्रबंधन प्रसंस्करण करने के लिए की आवश्यकता होती है। जो कि मैंने बताया आपको, इनको क्या चाहिए, बड़े पैमाने पर डाटा चाहिए, आपस में एक्सचेंज भी कर सकें और
डाटा आपस में एक्सचेंज कब कर पाएंगे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में वो सारे सिस्टम जो है वो कनेक्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब हम लास्ट में आ जाते हैं सुपर कंप्यूटर पर। सुपर कंप्यूटर देख लीजिए, यही सुपर कंप्यूटर जो है वो पर्पस के आधार पर जब आप पढ़ेंगे स्पेशल वाले कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो होते हैं लगभग वैसे ही हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर के फीचर्स और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के फीचर्स एक ही हैं। कैसे? ये सुपर कंप्यूटर इतने बड़े आकार के होते हैं, देख लो, ठीक है, इतने बड़े आकार के, तो इनका सामान्य रूप से तो उपयोग होता नहीं है। इनका उपयोग क्या होगा? जैसे जितने भी बड़े बड़े खगोल शास्त्री एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, तो जितने भी गणना करनी होती है, बड़ी बड़ी विशालकाय गणना करनी होती है, उनके लिए इन सुपर कंप्यूटरों का इस्तेमाल किया जाता है। मौसम विभाग की जानकारी, ये सारी चीजें किसके लिए होती हैं? ये सुपर बड़े बड़े कंप्यूटरों के माध्यम से ही ये गणना की जा सकती है। तो ये इसलिए सुपर कंप्यूटर स्थापित किए गए हैं, बड़ी बड़ी गणनाओं के लिए। इसको हम देख लेते हैं। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े और सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं, उतने ही महंगे, ठीक है, उतने ही एक्सपेंसिव। बड़ी मात्रा में डेटा को संसाधित करने के लिए इन्हें डिजाइन किया जाता है। प्रति सेकंड करोड़ों निर्देश निष्पादित करते हैं, यानी कि एक सेकंड में करोड़ों निर्देश ये एक्शन में लाते हैं, ठीक है। इनमें हजारों इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं और वो सब आपस में जुड़े हुए रहते हैं। सुपर कंप्यूटर विशेष तौर पे वैज्ञानिक इंजीनियर जो हैं वो उपयोग में लाते हैं, जैसे मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए, वैज्ञानिक सिमुलेशन के लिए, परमाणु ऊर्जा के अनुसंधान करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। यानी ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, किन्हीं खास कारणों से ही इनका इस्तेमाल होता है, सामान्य आम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में रोजर के द्वारा विकसित किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम लास्ट वाले में आते हैं, लास्ट है बाय पर्पस, यानी कि उद्देश्यों के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। एक है जनरल पर्पस कंप्यूटर और दूसरा है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ये जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन से हैं? जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर हैं, वही हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। सेम फीचर्स आ गए, ठीक है, सेम फीचर्स आ गए। इसमें भी क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस इनपुट देते हैं, प्रोसेस होता है सीपीयू में और आपको आउटपुट देने का काम करता है। ये हो गए आपके जनरल पर्पस जो सामान्य है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कौन से हैं? जो कि किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सुपर कंप्यूटर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का ही एक नमूना है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, यानी कि मौसम की जानकारी करना, न्यूक्लियर से संबंधित, परमाणु से संबंधित कुछ नई जानकारी इकट्ठा करना, इन सब के लिए आपके ये इस्तेमाल होते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर का दृश्य देख लीजिए, आपका डेस्कटॉप जो है ये इसका एक उदाहरण है, ठीक है। बुनियादी इनपुट आउटपुट कार्य ये इसका होता है, इनपुट लेना, आउटपुट देना, गणना करना, कैलकुलेशन करना, छोटे पैमाने पर डेटा की बचत करना, सामान्य प्रदर्शन गतिविधियां, और ये बुनियादी कैलकुलेटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये उदाहरण है सारे उसके। कौन कौन से? कैलकुलेटर आ गया इसके अंदर, लैपटॉप आ गया, डेस्कटॉप कंप्यूटर आ गया, मोबाइल फोन आपका आ गया, ये सारे के सारे आपके जनरल पर्पस कंप्यूटर के उदाहरण है। दूसरा है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में क्या दिखाया है? थर्मोमीटर। किसके लिए इस्तेमाल होता है? स्पेशल पर्पस के लिए। आपको बुखार है, आपके बुखार का माप करेगा। ये क्या है? ये इन्वर्टर, जिससे बिजली चलाई जाती है। बिजली जब चली गई तो इन्वर्टर ऑन करते हैं ना, ये भी स्पेशल पर्पस के लिए ही इस्तेमाल होता है। ये तो देखिए, जनरेटर भी आपका एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, ठीक है। आगे, जब किसी कंप्यूटर को विशेष रूप से एक निश्चित कार्य करने के लिए डिजाइन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहा जाता है। इसमें क्या शामिल है? थर्मोमीटर, जनरेटर, क्लाइमेट चेंज से संबंधित एनालिसिस विश्लेषण करने के लिए, और लार्ज कंप्यूटर जो कि आईटी सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। विभिन्न संगठनों के लिए विशेष उद्देश्य वाले कंप्यूटर जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। इनके अनुप्रयोग से इस तरह बनाए जाते हैं जिससे कि काम करना उनके लिए आसान हो जाए, ठीक है। तो ये थे आपके टाइप ऑफ जनरेशन और टाइप ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसको हम एक बार और देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को। टाइप के आधार पर आपने तीन श्रेणियों में बांटा था, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग प्लस डिजिटल इक्वल टू आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग सिग्नल से चलता है, डिजिटल जो वर्तमान समय में कंप्यूटर हैं या डेस्कटॉप हैं या लैपटॉप हैं, ये सारे डिजिटल में आ गए। हाइब्रिड इन दोनों से मिलकर बनता है, एनालॉग कंप्यूटर की तरह आंकड़े लेता है और डिजिटल की तरह आपको आउटपुट देता है, ठीक है। एनालॉग का उदाहरण क्या पड़ा था?
इलेक्ट्रॉनिक वॉच पड़ी थी, थर्मामीटर देखा था, डिजिटल का उदाहरण क्या देखा था, लैपटॉप, डेस्कटॉप, हाइब्रिड का ईसीजी मशीन और आपका पेट्रोल पंप में जिससे पेट्रोल दिया जाता है वो वाली मशीन, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या देखा था, माइक्रो कंप्यूटर जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर है वो माइक्रो मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर के बीच की कड़ी है, यानी कि बीच के आकार के है, मेन फ्रेम से बड़े, माइक्रो से छोटे, सॉरी माइक्रो से बड़े और मेन फ्रेम से छोटे। सुपर कंप्यूटर जिनको स्पेशल पर्पज से ही यूज किया जाता है, सबसे बड़े आकार के और सबसे महंगे कंप्यूटर। यहाँ पे पर्पज जनरल पर्पज जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर पर्सनल कंप्यूटर, वो जनरल हो गए। स्पेशल पर्पज जो किसी विशेष उद्देश्य से इस्तेमाल में लाए जाते हैं वो स्पेशल पर्पज। थर्मोमीटर आ गया आपका इसमें, मौसम विभाग की जानकारियों को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो आ गया आपका इसमें, ठीक है। और ये सारे के जो भी अन्य उदाहरण हमने पीछे करे थे वो सारे आपके स्पेशल पर्पज कंप्यूटर में आ गए, ठीक है। उम्मीद है आज के सेशन में आपको जानकारी हुई होगी टाइप ऑफ कंप्यूटर की एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। सेशन पसंद आया या नहीं आया, कुछ समझ आया या नहीं आया, थम्स अप शो करिए अगर सेशन में कुछ समझ आया तो जल्दी से। मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं देख पाती हूँ क्योंकि देखिए मेरा एक ही उसूल है, पढ़ाना है तो पढ़ाई करो और बात करनी है तो फिर बात ही करो। अगर मैं बात करने लगूंगी तो फिर बात करूंगी, पढ़ाऊंगी तो सिर्फ पढ़ाऊंगी। मैं ये नहीं चाहती कि एक जितने भी टाइम के लिए हम यहाँ पे आ रहे हैं सिर्फ बातों में हम समय निकालें, ठीक है। कुछ अच्छी सी क्वालिटी यहाँ पर दे करके जाएं और उसके बाद बातें करनी है तो किसी दिन फुर्सत से एक सेशन सिर्फ बातों के लिए ही कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद है समझ आया होगा। क्लासेस पसंद आ रही हैं या नहीं पसंद आ रही हैं, लाइक शेयर कीजिए क्लासेस को। बहुत कम लाइक हैं बच्चे, इतने से बच्चे ने मतलब इतने आप लाइक्स कर पाए, जितने लाइक नहीं किया है लाइक जरूर कीजिए क्लास को। इसी से पता चलता है कि आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। आपके लाइक्स और आपके व्यूज ही डिपेंड करते हैं कि हम कितना कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। एफर्ट पूरे लगा रहे हैं लेकिन आप लोग उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। अब ये रिजल्ट या तो आप यहाँ पर प्रदर्शित करें अब या फिर कभी आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा तो उस समय आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, ठीक है। बहुत हेल्प करेंगी आपको ये क्लासेस, ऐसा नहीं है कि बेकार में कंटेंट कराया जा रहा है, मेहनत की जा रही है इसके पीछे, तो बहुत हेल्प करेंगी आपकी ये क्लासेस, ठीक है। एक एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन चाहे आईसीटी चाहे जो पिछली यूनिट हो चुकी है टीचिंग एप्टीट्यूड की, सारी यूनिट के पीछे कंटेंट में मेहनत की गई है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने पीछे टीचिंग एप्टीट्यूड का जो हमारा यूनिट पूरी हो चुकी है नहीं देखी है उसको जाकर के देखिए, प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। टीचिंग एप्टीट्यूड के लाइव टेस्ट की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और जो क्लासेस हमारी हो चुकी हैं वो सब आपको यहाँ प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। कल आपका कम्युनिकेशन का लाइव टेस्ट होगा, ठीक है, कल आपका कम्युनिकेशन का लाइव टेस्ट होगा, तो कम्युनिकेशन के लाइव टेस्ट के लिए जुड़िएगा। एक बार कम्युनिकेशन का रख लेते हैं, एक बार आईसीटी का, मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है, मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बात क्या होगा, आपका एग्जाम पास में आएगा तो आप एक साथ कम्युनिकेशन, एक साथ आईसीटी, एक साथ टीचिंग एप्टीट्यूड, जो जो चीजें हो गई हैं उनको आप एक साथ देख पाएंगे, इसलिए मैं मिक्स क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देख रही हूँ ताकि आप एक एक एरिया पकड़ के अपनी तैयारी को कर सकें, ठीक। चलिए, उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। कल 5 बजे फिर से मुलाकात होगी आपके कम्युनिकेशन के टेस्ट के साथ, तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार। धीरे धीरे सभी करेंगे, देखिए मेरे पास जितना समय है मैं उसका पूरी तरह से यूज कर रही हूँ। सारी यूनिट कराऊंगी, केवल डाटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग और जो लॉजिकल वाली यूनिट है आपको उसको छोड़ करके, ठीक है, 3 यूनिट छोड़ूंगी, बाकी सारी मैं करवाऊंगी पेपर 1 की, ये मैं गारंटी दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको यही मिलेगी, यूट्यूब पे ही वो मिलेगी सारी की सारी, 7 की 7 यूनिट मैं यहाँ पे करवाऊंगी, लेकिन धीरे धीरे होगा। एकदम अचानक से आप सोचेंगे कि सब कुछ पढ़ा दिया जाए वो चीज़ संभव नहीं है, क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी मैटर रखती है, क्वांटिटी मैटर इतनी नहीं रखती है, ठीक है। चलिए,